इस तरह विधेयक जो है वो पेश होने से पहले ही एक लंबा काल देखता है, प्रस्तुत करने से पहले ही उस पर काफ़ी बहस हो जाती है, काफ़ी उस पर विचार मंथन होता है। बहस का अर्थ विचार मंथन, सोच, विधेयक की ज़रूरत पर पहली बात, और फिर उसके बाद अन्य मुद्दों को लेकर। राजनीतिक दल जो हैं वे सरकार पर दबाव बनाते हैं विधेयक को पेश करने के लिए, चुनावी वादों को पूरा करने का एक जरिया है, जो आगामी चुनाव जीतने के लिए जरूरी हो जाता है कि विधेयकों को लेकर दबाव बनाया जाए। कई हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन, इनको जोड़ा जाता है, और जोड़ने का अर्थ है विभिन्न मंचों पर प्रस्तावित विधेयक के मुद्दों को लेकर बहस होती है, ओपिनियंस आते हैं। सरकार पर इसके लिए दबाव बनता है, और इस प्रकार प्रेशर ग्रुप्स का काम इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के मंच करते हैं। तब जाकर विधेयक की पृष्ठभूमि तैयार होती है, और फिर आगे की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई वो होती है। प्रस्तुतिकरण जब होता है मंत्री के द्वारा, तब वह कहलाता है प्रथम वाचन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। प्रथम वाचन क्या होता है? प्रथम वाचन जैसा शब्द से स्पष्ट है, ये जो विधेयक है अध्यक्ष की अनुमति से विषय का शीर्षक पढ़ दिया जाता है, और थोड़ा बहुत और विस्तार से थोड़ा पढ़ दिया जाता है। अर्थात प्रथम विवेचन में, प्रथम वाचन में विधेयक का विस्तार से डिस्क्रिप्शन नहीं होता सदन के अंदर, किस विषय पे विधेयक है, इसका उद्देश्य क्या है, इन ये बातें मूलतः प्रथम वाचन में रखी जाती हैं। इसके बाद दूसरा वाचन होता है जिसे कहते हैं सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है? जब सेकंड रीडिंग होती है तो निम्न में से कोई सी एक बात होगी सेकंड रीडिंग का समय, या तो मंत्री कहेंगे कि जो सदन है वो विधेयक पे तुरंत विचार करे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो तुरंत विचार की अपेक्षा रखेगा, वो अपनी बात ऐसा अध्यक्ष के सामने अनुरोध रखेगा कुछ कारण बताते हुए, या ये जो विधेयक है जिसमें उद्देश्य और शीर्षक बताया गया, इस विधेयक को एक समिति को दे दिया जाएगा जिसमें कुछ सांसद रहते हैं, कुछ सांसदों से बनी हुई समिति जिसका निर्माण अध्यक्ष करते हैं, वे समिति के सदस्य को अध्यक्ष महोदय ये प्रस्ताव भेज देंगे, ये विधेयक भेज देंगे, ताकि समिति के सदस्य अब इसका गहन अध्ययन करें। सेकेंड रीडिंग के बाद, सेकेंड रीडिंग में उद्देश्य से कुछ ज़्यादा ही चीज़ रहती हैं, थोड़ा गहराई से बातें रहती हैं, उसका शीर्षक तो रहता ही है, पर ड्राफ्ट की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से सेकेंड रीडिंग के समय पेश किया गया डॉक्यूमेंट, प्रस्ताव थोड़ा विस्तृत रहता है। यह विस्तृत प्रस्ताव, उस पर या तो मंत्री महोदय उसी दिन तुरंत सदन को विचार करने का अनुरोध करेंगे, या अध्यक्ष महोदय इस विधेयक को एक समिति को दे देंगे उनके विचार के लिए, या ये निर्णय लिया जाएगा कि चूंकि यह बिल, यह विधेयक जनता जनार्दन से बहुत गहरे जुड़ा है, इस बिल के बारे में पहले प्रचार प्रसार कर दिया जाए, जनता तक पूरे बिल की जानकारी पहुंचाई जाए, उद्देश्य पहुंचाया जाए, और इसके पीछे कारण क्या, ऐसा करके जनता की भावनाएं जानी जाएं, जनता के विचार जाने जाएं, संबंधित
विधेयक से जुड़ी हुई कुछ अहम बिंदु यदि जनता से आते हैं तो उनको नोट किया जाए। तो ये तीन रास्ते रहेंगे दूसरे वाचन के बाद। अब रास्ता तय हो गया, कुछ मामलों में तुरंत विचार, कुछ मामलों में प्रवर समिति, कुछ मामलों में प्रसारित करने का। यदि प्रवर समिति द्वारा विचार होता है तो उस समिति में करीब 20 से 30 सांसद होते हैं, विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के, एक ही दल के नहीं, सत्तारूढ़ दल के ही नहीं, विभिन्न दलों के, विभिन्न क्षेत्रों के, और संबंधित जो विधेयक है उसमें उनकी रुचि को देखते हुए यदि संबंधित विधेयक उनके विषय का है तब तो बहुत अच्छी बात, विषय एक्सपर्ट के नाते भी वो जोड़े जाते हैं। तो ऐसे 20 से 30 सदस्यों की प्रवर समिति जो बनती है, जो विधेयक पर विचार विमर्श करती है, बड़ी सूक्ष्मता से इस पर विचार करती है, बड़ी गहराई से करती है, काफ़ी वाद विवाद होता है इन 20-30 सदस्यों के बीच में, अलग से कई दिनों की बैठकें होती हैं। इसके कारण उद्देश्य, अच्छाई, बुराई, परिणाम, दूरगामी परिणाम आदि पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट देती है सदन को, किस बारे में, इस विधेयक के बारे में, जिस विधेयक की सेकेंड रीडिंग हुई थी, जिस विधेयक का दूसरा वाचन हुआ था, उस पर समिति का क्या कहना है यह मालूम होता है। यहाँ ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे वाचन में थोड़ा विस्तार से कानून के ड्राफ्ट को रखा गया था और तीन रास्ते थे उस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए। प्रवर समिति को जब सौंपा जाता है उसके बाद प्रवर समिति अपना समय लेते हुए जब उस पर रिपोर्ट बनाती है विस्तार से और लोकसभा में रखती, उस सदन में रखती है, तो रखने की प्रक्रिया के साथ ही द्वितीय वाचन पूर्ण माना जाएगा। द्वितीय वाचन की शुरुआत कब हुई थी मैंने बताया, द्वितीय वाचन की समाप्ति रिपोर्ट की सदन के पटल पर आने के साथ होती है, तब जाके दूसरा वाचन पूरा होता है, सेकेंड रीडिंग पूरी होती है। उस रिपोर्ट में सदस्य अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपना अपना पक्ष रखते हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ जब दूसरा वाचन पूरा होता है तो उसके बाद अब तीसरे वाचन और तीसरे और अंतिम वाचन की बारी है। तीसरे और अंतिम वाचन में क्या होता है, जो प्रस्ताव था, जो विधेयक था, उसमें भाषा संबंधी कुछ गलतियां हों उसे सुधारा जाता है, अस्पष्ट शब्द हों कुछ जिनकी भावना स्पष्ट नहीं हो रही है उसमें बदलाव किया जाता है, तो तीसरा रीडिंग मतलब तीसरी बार सदन में पेश होना। इसके अलावा विधेयक पर मत भी लिए जाते हैं सदस्यों के, उनकी क्या सोच है उसे आमंत्रित किया जाता है संबंधित मंत्री द्वारा, और यदि बहुमत जो है वो विधेयक के पक्ष में हो तो अध्यक्ष उसे पारित घोषित कर दूसरे सदन में भेज देता है। चाहे पहली तीन रीडिंग लोअर हाउस में हुई हो तो वो अपर में जाएगी, अब चाहे पहली तीन रीडिंग अपर हाउस में हो तो अब वो लोअर हाउस में जाएगी यदि वह साधारण विधेयक है तो। इस प्रकार एक विधेयक की तीन रीडिंग होने पर प्रक्रिया पूर्ण होती है, लेकिन कानून नहीं बनता, यही पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में भी दोहराई जाती है। पहले सदन की तरह पूरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी और यदि दूसरा सदन भी विधेयक को पास कर देता है तो यह विधेयक अब राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने पर यह विधेयक जो है वह क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। उसे सरकारी, अब कानून तो बन गया पर ये कानून लागू कब से हुआ? कल्पना करिए, एक विधेयक, एक मंत्री महोदय ये चाहते थे कि एक कानून बनाया जाए, एक परिवार के पास केवल एक गाड़ी हो। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बस सरल उदाहरण आपके सामने। अब एक गाड़ी हो, इसके लिए बात कहाँ से शुरू होगी? सबसे पहले वो अपने अधिकारियों के साथ, विभाग के अन्य लोगों के साथ, कुछ जनता जनार्दन के साथ, अन्य सहयोगियों के साथ इस पर बातचीत करेगा, उनकी भावनाओं से परिचित होगा, और यदि लगता है कि हाँ काफ़ी लोग इससे सहमत हैं, तब वह उसे एक प्रस्तावना का रूप देकर, एक प्रस्ताव का रूप देकर मंत्रिमंडल को देगा। मंत्रिमंडल फिर इस बातों पर विचार करेगा, विधेयक के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेगा, तर्क करेगा, वाद विवाद होगा, और फिर एक निर्णय पर पहुंचेगा कि हाँ ठीक है, एक परिवार को एक गाड़ी, बशर्ते वह परिवार 5 सदस्यों से ज़्यादा का ना हो। 5 से ज़्यादा का हुआ तो 2 गाड़ी, ऐसा करके हो सकता है मंत्रिमंडल इसमें कुछ सुधार कर दे। ये हो गई मंत्रिमंडल की स्वीकृति। इसके बाद ये साधारण बिल पेश होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके बाद 3 रीडिंग होती है, सुधार होते हैं, और 3 रीडिंग के बाद दूसरे सदन में जाता है, वहाँ भी रीडिंग होती है, और वहाँ भी सुझावों पर ध्यान देकर अमल करने की कोशिश की जाती है, और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, और कानून बन जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। कल्पना करिए एक स्थिति जब दूसरा सदन उसे पास नहीं करता। यदि दूसरा सदन इस बिल से, इस विधेयक से असहमत हो, तब क्या होगा? या दूसरा सदन इस बिल को वापस कर देता है कुछ सुझावों के साथ, और पहला सदन उन सुझावों पर राजी नहीं होता, तब क्या होगा? दूसरे शब्दों में, यह विधेयक कानून बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों सदनों के बीच में विरोध है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह संयुक्त अधिवेशन बुलाए। केवल साधारण विधेयकों के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, याद रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन में जिसका बहुमत होगा, जैसा निर्णय होगा, बहुमत निर्णय, वह माना जाएगा। तो निर्णय बहुमत से होता है। अब निर्णय हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। अब ये कार की बात जो मैंने की, उदाहरण की, ये नियम लागू कब से होगा? आज तो मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, आपके घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, किसी के पास 10 गाड़ियां हैं। अब ये नियम कब से लागू हुआ? क्या अचानक समाचार पत्र में आ जाएगा कि यह नियम आज राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो ये नियम लागू? नहीं, ये नियम लागू तब से माना जाता है जब इसे एक पत्रिका में प्रकाशित किया जाए। उस पत्रिका का नाम है गवर्नमेंट गैजेटियर, सरकारी पत्रिका, पत्रक, राजपत्रक, गवर्नमेंट गैजेटियर। ये सरकारी पत्रिका में छपने पर इसे लागू माना जाता है। इसमें ये बात आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति यदि विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाता है और संसद पुनः पास करके उसे राष्ट्रपति को भेज देती है, तो राष्ट्रपति को अब स्वीकृति देना जरूरी है। राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति अब इसे टाल नहीं सकता और पहले रूप में ही उसे स्वीकार करना जरूरी होगा, जिस मूल रूप में उसे पहले सदन ने पारित किया था। यह हुआ राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी बात, और यह हुई सरकारी विधेयक की बात। अब दूसरा है वित्त विधेयक, जिनका संबंध आय व्यय से हो। यह विधेयक
वित्त विधेयक है कि नहीं है ये प्रमाणित करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का है। किसके अध्यक्ष का? लोकसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों का जिक्र करते हुए मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो लोकसभा के अध्यक्ष पहले देखते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि ये मनी बिल है कि नहीं। वित्त विधेयक को अंग्रेजी में मनी बिल भी कहते हैं। जो जहाँ तक वित्त विधेयक की बात है उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो अध्यक्ष तय करता है ये वित्त विधेयक है कि नहीं। दूसरी बात, वित्त विधेयक केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं, अर्थात हर वित्त विधेयक सरकारी ही होगा, गैर सरकारी वित्त विधेयक आ ही नहीं सकता। तीसरी बात, एक बार लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि यह वित्त विधेयक है तो इसे लोकसभा के सदन में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, तो यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उसका अध्ययन करते हैं और अनुमति देते हैं। सामान्य स्थिति में यह अनुमति राष्ट्रपति देते हैं, पर प्रक्रिया की यदि बात करें धन विधेयक की, वित्त विधेयक की, तो ये बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। पैसे के मामले में सरकार और संविधान निर्माताओं ने बड़े कड़े नियम बनाए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। अध्यक्ष द्वारा तय किया जाना, केवल मंत्री द्वारा विधेयक, वित्त विधेयक का पेश होना, यानी केवल सरकारी विधेयक होता है वित्त विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिया जाना, और उसके बाद सबसे पहले ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, दूसरे सदन में नहीं। साधारण विधेयक तो कहीं भी पेश हो सकता है, ये केवल लोकसभा में। इसे पास करने की बड़ी लंबी प्रक्रिया है। यहाँ पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा यदि चाहे तो 14 दिन के अंदर कुछ सुझावों के साथ भेज सकता है, लेकिन यदि वापस भेजा और लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार ना करे तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा के द्वारा ये पारित हो गया। लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाना, 14 दिन के अंदर सुझावों सहित लोकसभा को वापस भेजना राज्यसभा द्वारा, और अन्यथा ये विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में लोकसभा ने किया था। राष्ट्रपति को धन विधेयक पर पहली बार में ही अपनी स्वीकृति दे देनी होती है। कोई सा भी वित्त विधेयक जो लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से पारित माना जाएगा उसे राष्ट्रपति को उसमें अपनी सहमति देना अनिवार्य है, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। संसद में ये जो प्रक्रिया है जिसका भी हमने अध्ययन किया, लोकसभा बनाम राज्यसभा और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये चारों अंग कानून की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, विधेयक की प्रक्रिया से जुड़े हैं। यही स्थिति विधानसभा में होती है। राज्यों के विधानमंडल में भी बिल्कुल यही स्थिति होती है। राष्ट्रपति की जगह आप राज्यपाल पढ़ें, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की जगह मंत्रिमंडल ही रहेगा और लोकसभा की जगह विधानसभा पढ़ें और राज्यसभा की जगह विधान परिषद पढ़ें, बस। बाकी सारी जो प्रक्रिया है वह राज्य में भी कानून बनाने की वही है जो केंद्र में है। लेकिन हाँ, राज्य में कानून जब बनता है तो केवल राज्य सूची के विषयों पर विधानसभा कानून बना सकती है, संघ सूची के विषयों पर नहीं, राज्य सूची के विषयों पर, और समवर्ती सूची में केंद्र के सहयोग के साथ। ये जानने के बाद कि एक विधेयक कानून कैसे बनता है, एक विधेयक कितने पायदान चढ़ता है कानून बनने तक, और उसमें कौन कौन सी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, तो एक सवाल ये आता है कि सदन में बिल पेश हुआ, विधेयक पेश हुआ तो कब होता है, कौन जानकारी देता है सदस्यों को
कि आज ये विधेयक पेश होने जा रहा है। बहस कैसे होती है? क्या किसी भी समय विधेयक पेश हो जाएगा? नहीं, इसके भी कुछ नियम हैं। दूसरे शब्दों में, संसद में जो काम होता है वो कुछ नियमों के तहत होता है। कानून जो बनता है विधेयक से, कानून, वो कुछ नियमों के तहत होता है जिसका हमने अध्ययन किया। ऐसे संसद का जो काम है उसके भी कुछ नियम हैं। जैसे स्कूल के नियम होते हैं, 9 बजे स्कूल शुरू होगा, 9:15 पर असेंबली होगी, 9:40 पर असेंबली समाप्त होकर कक्षाएं प्रारंभ होंगी, पहला कालखंड इतने बजे, दूसरा कालखंड इतने बजे, फिर लंच ब्रेक आदि आदि। सदन का भी ऐसा ही टाइम शेड्यूल होता है, सदन का भी ऐसी नियम, ऐसी समयावली रहती है। तो अब हम थोड़ा जानें कि सदन कैसे कार्य करता है। पहला, सदन को बुलावा। राष्ट्रपति का मैंने बताया था अधिकार क्षेत्र है कि वह वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र अवश्य करवाता है सदनों का। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, तीनों मौसम में एक एक, लेकिन 2 सत्र तो अवश्य, और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भी हो सकता है। समय समय पर आवश्यक महसूस होने पर सदन को वो बुलाता है और इसकी पर्याप्त सूचना, पूर्व सूचना दी जाती है। कितने दिनों का सत्र होगा ये भी घोषित किया जाता है। तो पहला कदम हुआ सदन को बुलावा, सदस्यों को सूचना, अर्थात आने की सूचना। अब सदस्य आए, उनको सूचना मिली, सब दिल्ली में इकट्ठे हुए, उसके बाद जो समय और तारीख दी हुई उस दिन वो सदन में पहुँचे। लोकसभा के सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में। लेकिन यदि पहला दिन है, चुनाव के बाद लोकसभा का पहला दिन है, या साल के शुरू का पहला सत्र है जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, जब सरकार अपने आय व्यय का ब्यौरा देती है फरवरी अंत और मार्च में, उस समय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संयुक्त रूप से बैठते हैं पहले मीटिंग में, पहले सत्र में, पहले सत्र में संयुक्त रूप से बैठते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद या साल के शुरू में बजट संयुक्त रूप से बैठते हैं, और इस बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। भीषण गर्मी में भी लोगों ने लंबी कतारों में खड़े हो रहकर अपना वोट दिया है। इस बार महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है और उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही। करोड़ों युवाओं ने पहली बार मतदान करके भारत के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। मैं लोकसभा के नए अध्यक्ष को भी उनके इस नए दायित्व के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया की सफलता में प्रशासन तंत्र के अनेक विभागों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों का योगदान अत्यंत सराहनीय है। इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की विविधताओं का प्रतिबिंब इस संयुक्त सत्र में दिख रहा है।
हर आयु के, गांव और शहर के, हर प्रोफेशन के लोग दोनों सदनों के सदस्य हैं। अनेक सदस्य समाज सेवा से हैं, बहुत से सदस्य कृषि के क्षेत्र से हैं, व्यापार और अर्थ जगत से हैं, तो अन्य बहुत से सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से हैं, लोगों का जीवन बचाने वाले मेडिकल प्रोफेशन से हैं, लोगों को न्याय दिलाने वाले लीगल प्रोफेशन से हैं, फिल्म, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले सांसदगण भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के विशेष अनुभवों से संसद में होने वाले विचार विमर्श और समृद्ध होंगे। माननीय सदस्यगण, इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। वर्ष 2014 से पहले देश में जो वातावरण था उससे सभी देशवासी भली भांति परिचित हैं। निराशा और अस्थिरता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए देशवासियों ने 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी। उस जनादेश को सर्वोच्च मान देते हुए मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने इसी वर्ष 31 जनवरी को इसी सेंट्रल हॉल में कहा था कि मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। बीते 5 वर्षों के दौरान देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बेहतर बनाने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जनादेश मांगा गया। देश के लोगों ने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी सरकार जनसाधारण को इतना सजग, समर्थ, सुविधायुक्त और बंधन मुक्त बनाना चाहती है कि अपने सामान्य जीवन में उसे सरकार का दबाव, प्रभाव या अभाव न महसूस हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है। नए भारत की यह परिकल्पना केरल की महान आध्यात्मिक विभूति, समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरु के इन सद विचारों से प्रेरित है। जाति भेदम मतद्वेषम युदुम इल्लादे सर्वरोम सोद रत्वेन बाडुन मातृ का स्थान मानित, अर्थात एक आदर्श स्थान वो है जहाँ जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। 3 सप्ताह पहले 30 मई को शपथ लेते ही सरकार नए भारत के निर्माण में और तेजी के साथ जुट गई। एक ऐसा नया भारत जहाँ हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों, जहाँ प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्मसम्मान बढ़े, जहाँ बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से
जोड़ती हो, जहां आदर्शों और मूल्यों की हमारी बुनियाद और भी मजबूत बने और जहां विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। यह नया भारत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे। गुरुदेव के शब्दों में, चित्तो जेथा भय सुनो उच्चो जेथा शीर। माननीय सदस्यगण, हर भारतवासी के लिए यह गौरव का विषय है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे। नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना मेरी सरकार का संकल्प है। नए भारत के इस पथ पर ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त बनेगा। नए भारत के इस पथ पर उद्यमी भारत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में 21 दिन के अल्प समय में ही मेरी सरकार ने तेजी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है। जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान राशि की पहुंच बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अपने खेत में दिन रात काम करने वाले किसान भाई बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। पशुधन किसानों के लिए बहुमूल्य है। जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है। इस खर्च को कम करने के लिए मेरी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है। पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा। अपनी हर खुशी, हर सुख, हर त्यौहार को त्याग करके देशवासियों की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। वह जवान जो सीमा पर डटा रहता है, जिसकी वजह से सभी देशवासी निश्चिंत रहते हैं, उसके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना भी हमारा दायित्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर नेशनल डिफेंस फंड से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे बेटियों को भी शामिल किया गया। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बढ़ता हुआ जल संकट। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरागत और प्रभावी व्यवस्थाएं समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं। तालाबों और झीलों पर घर बन गए और जल स्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए पानी का संकट बढ़ता गया। क्लाइमेट तो पहले दिन राष्ट्रपति संबोधित करता है जॉइंट मीटिंग को, इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। इसमें क्या रहता है उसके भाषण में? सरकार की उपलब्धियां, सरकार की सफलताएं, असफलताएं, जनता से अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, देश की अंदरूनी स्थिति, इन सब बातों पर राष्ट्रपति सरकार की ओर से अपने विचार रखता है। मैंने जैसा बारंबार कहा, राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए
देश का मुखिया है, ये जो भाषण पढ़ता है, जिसे राष्ट्रपति का भी भाषण कहते हैं, यह भी वास्तव में सरकार का भाषण है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है, उसके माध्यम से सरकार के भाषण को पढ़ाया जाता है और यह संयुक्त बैठक में होता। तीसरा कदम,